రాజకీయాల్లో రేవంత్ రెడ్డి సింహం అంటూ ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ కుమార్తె బారామతి ఎంపీ సుప్రియా సూలే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆయన్ను జైల్లో పెట్టిందని గుర్తు చేశారు ఆమె జైలు నుంచి వచ్చారు కొట్లాడారు సీఎం అయ్యారు అంటూ రేవంత్ రెడ్డి పోరాట పటిమను తన పార్టీ కార్యకర్తలకు గుర్తు చేశారు ఎన్సీపీ కూడా అధికారంలోకి రావాలంటే రేవంత్ రెడ్డిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని సుప్రియా సూలే సూచించారు तीन महीने अंदर रहा अभी आ गया तीन महीने अंदर रहा आ गया और उसके बाद तेलंगाना का सीएम बन गया आमचा टाइगर अण्णा विचारा रेवंत रेड्डी आमच्या बरोबर खासदार म्हणून आला पहिल्या दिवशी रेवंत मला जेव्हा भेटला ना रेवंत हमारा दोस्त है तो मैं रेवंत ने सांगितलं ताई देख लेना मैं तेलंगाना का सीएम बनूंगा मी म्हटलं छोड़ ना अभी कुछ भी बोल रहा है म्हटलं तुम देख लेना माझ्या नंडेच्या मुलाचं लग्न होतं मी हैदराबादला गेलो होतो मी त्यालाही आमंत्रित केलं होतं आमचा बिचारा बंधू जेलमध्ये बसला होता त्याचं सगळं खानदान लग्नाला आलं होतं पण रेवंत रेड्डी जेलमध्ये गेला होता आणि जेलमधून येऊन ज्या पद्धतीने तो लढला तेलंगणाला कुणालाही वाटलं नव्हतं पण तेलंगणाचा मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डीनी जी लढाई लढली आहे ना मान गए रेवंत रेड्डी को इचडा तीन महिने अंदर रहा अभी आ गया तीन महिने अंदर रहा आ गया और उसके बाद तेलंगाना का सीएम बन गया आमचा टाइगर अण्णा विचारा रेवंत रेड्डी आमच्या बरोबर खासदार म्हणून आला पहिल्या दिवशी रेवंत मला जेव्हा भेटला ना रेवंत हमारा दोस्त है तो मैं रेवंत ने सांगितलं ताई देख लेना मैं तेलंगाना का सीएम बनूंगा मी म्हटलं छोड़ ना अभी कुछ भी बोल रहा है म्हटलं तुम देख लेना माझ्या नंडेच्या मुलाचं लग्न होतं मी हैदराबादला गेलो होतो मी त्यालाही आमंत्रित केलं होतं आमचा बिचारा बंधू जेलमध्ये बसला होता त्याचं सगळं खानदान लग्नाला आलं होतं पण रेवंत रेड्डी जेलमध्ये गेला होता आणि जेलमधून येऊन ज्या पद्धतीने तो लढला तेलंगणाला कुणालाही वाटलं नव्हतं पण तेलंगणाचा मुख्यमंत्री म्हणून रेवंत रेड्डीनी जी लढाई लढली आहे ना मान गए रेवंत रेड्डी को